वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आप लोग को सेम टू सेम एडिटिंग सिखा दूंगा, बट आप लोग को करना क्या यार, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप लोग ऐसा एडिट करना सीख पाएंगे। और ये वाली एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट मेरे को PNG बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो उसे छोड़ो, बट आप लोग वीडियो कहीं स्किप मत करेगा, पूरा वीडियो देखेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं। और सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो आप लोग को सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से बैकग्राउंड को ओपन कर लेना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया। और हाँ, जो भी PNG बैकग्राउंड यूज़ करूँगा, सारी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ यार, वीडियो देखने के बाद ही डाउनलोड करना। और हाँ, बैकग्राउंड पर मत जाओ कि मैंने बैकग्राउंड कैसा बनाया। जब आप अपनी फोटोज़ पर एडजस्ट करोगे, एकदम मस्त लगेगा, ज़रा सा भी फेक नहीं लगेगा, ठीक है। और मैं मतलब इतनी ईजी एडिटिंग क्यों आपको सिखाता हूँ, मतलब मैं नहीं चाहता कि आपको हार्ड वर्क लगे, मैं इस वजह से आप लोग के लिए एकदम ईजी स्टेप लाता हूँ, ताकि आप लोग फटाफट अपनी फोटो एडिट कर लो। तो आपको यहाँ से जाना है ड्रॉ टूल्स पर। एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड रिसाइज करने से क्या होता है ना, कि बैकग्राउंड थोड़ा सा HD में हो जाता है, क्वालिटी नहीं घटती उसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेता हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम साइज रख के कर सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या करना, आप लोग को यहाँ से चला जाना ड्रॉ टूल्स पे। ड्रॉ टूल्स पे आने के बाद सिंपली आप लोग को वही स्टेप करना है, ऐड फोटो पे जाना, और आपको अपनी अभी तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से जाना आप लोग को इस पर, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है इसे, और आप लोग को फ्लिप कर लेना है। तो मैं इसे फ्लिप कर लेता हूँ, देन उसके बाद फिर आप लोग को 3 डॉट पर जाना, और आपको ट्रांसफॉर्म कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि फेक ना लगे, ठीक है। इस टाइप से आप लोग अपने मॉडल को बिठालना है। और हाँ, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो, मैं आप लोग के एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से डन कर लीजिएगा, देन उसके बाद आप लोग को जाना है यहाँ से लेयर पे, और एक तो एम्प्टी लेयर बना लेना है, ठीक है, और इसे नीचे रख देना है। ये स्टेप आपको फॉलो करना जो मैं हर बार बताता हूँ शैडो के लिए। और हाँ, मैं इतनी जल्दी क्यों बनाता, मतलब इस वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि यार पता नहीं मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम रहती है, मतलब ऑटोमेटिक पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, इस वजह से मैं बहुत ही जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना है, और आप लोग एडिटिंग भी अच्छे से सीख लो इस वजह से, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, अब दे देनी है शैडो। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पैरों के पास देनी है शैडो, ताकि भाई ओरिजिनल लगना चाहिए, फेक ना लगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, मैं वीडियो पे थोड़ा सा अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब कि समझ रहे हो ना आप। तो इतना करना आप लोग को, देन उसके बाद क्या करना है, फोटो को सीधा सेव कर लेना है, एंड सेव करने के बाद आपको जाना है स्नैपशीट एप्लीकेशन पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, स्नैपशीट एप्लीकेशन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पेंसिल वाला आइकन पर जाके करना है अपने, मतलब कि फेस पर ड्रॉ करना कुछ इस टाइप से, ठीक है। और हाँ यार, अभी तक लाइक नहीं करा था, प्लीज़ लाइक कर दे यार, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ से डन कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को जाना है यहाँ से टून इमेज पे। टून इमेज की जो भी एडिटिंग कर रहा हूँ एडजस्टमेंट, वो आप लोग देखते जाइए, आप लोग को सही मैजा कर लेना है। और हाँ यार, कमेंट भी कर देना। तो इस टाइप से आप लोग को कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ से डन कर लेना आप लोग को, देन उसके बाद आप लोग को फिर पेंसिल पे जाना, आप लोग को डिटेल्स को दे देना है, ठीक है। आप लोग लाइटरूम का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया एडिटिंग हो चुकी है। तो मैं यहाँ से फोटो को सेव कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारी फोटो एकदम परफेक्ट एडिट हो चुकी है, एकदम सेम टू सेम, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। सो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मैं ऐसी भी एडिटिंग आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।